कानपुर नगर निगम द्वारा आयोजित समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, कानपुर नगर निगम की मेयर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, गणमान्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी पार्षदगण, देवी और सचिव, कानपुर नगर निगम द्वारा आयोजित इस समारोह में आप सभी के बीच में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ उपस्थित अनेक लोग जो फ्रंट रो में बैठे हैं, बहुत सारे आप लोगों में से कुछ परिचित चेहरे भी मेरी प्रारंभिक जीवन यात्रा के साक्षी भी रहे हैं, और कुछ लोग इस यात्रा की जो धूप छांव थी उसमें गुजरते हुए मेरे सहयात्री भी हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत पहले बनना चाहिए था, लेकिन वो स्वाभाविक है, मेरे मन में एक ही बात होती थी कि अपने घर में कैसा अभिनंदन और किसके द्वारा अभिनंदन। तो बात मुझे बार बार उचेटती थी, अपने लोग और मेरा अभिनंदन करें, मैं इस अपने को इस योग में नहीं मानता। लेकिन प्रमिला जी जब मुझे मिली, ये एक वर्ष पहले की बात है, उन्होंने बार बार आग्रह किया, तो मैंने कहा ये आपका अभिमत है या कि सभी पार्षदों का? वो कहा नहीं नहीं मेरा केवल नहीं है बल्कि सभी पार्षदों का। फिर मुझे बाद में धीरे धीरे जानकारियां मिलती गई कि बहुत तैयारी हुई, मीडिया में भी तमाम प्रकार की खबरें आई, पता चला बहुत पैसा खर्च हुआ। अब मैं बड़े धर्म संकट में था, यदि मैं नहीं आता तो शायद पूरे नगर निगम आप सब पर और प्रमिला जी पर एक प्रश्न चिन्ह लगता कि आखिर ये पैसा खर्च हुआ है, किस अकाउंट में गया है। यू बीन दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑल आर दी आंसर एबल एंड अकाउंटेबल। तो मुझे बार बार ये धर्म संकट में था, तो मैंने कहा कि प्रमिला जी मैं जब भी कोशिश करूंगा तो मैं आऊंगा जरूर, चाहे थोड़े समय के लिए आऊँ, लेकिन उस कार्यक्रम का आप अभिनंदन कार्यक्रम मत रखिए, एक मिलन कार्यक्रम रखिए। लेकिन फिर भी ये आप सब लोगों की सदा रहता है कि स्वाभाविक है मैं आप सबका हूँ, आप सब मेरे हैं, मैं आप सबका हूँ। ये एक जीवन पर्यंत ये रिश्ता है और रहेगा। लेकिन अभी जब फोटोग्राफी हो रही थी तो मुझे प्रमिला जी कभी कभी कहती थी, कुछ मीडिया से भी खबरें मिलती थी कि हमारे कानपुर नगर के पार्षद गण हैं वो बहुत उत्साही हैं, और वो उत्साह हमें देखने को भी मिला। उस उत्साह की कल्पना मैं उससे कर सकता हूँ कि जब आपका सदन चलता होगा, वो उत्साह क्या क्या स्वरूप हो सकता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप लोग जानते हैं कि उस स्वरूप का मुझे लगता है कि यहाँ की जो चेयर्स वगैरह हैं शायद वो स्टेबल है या कि अलग अलग है। आज प्रमिला जी ने मुझे एक चाबी भी सौंपी है, और मैं इनसे पूछ रहा था कि भाई कहाँ की चाबी है, इतनी बड़ी चाबी मैंने कभी नहीं देखी। तो इन्होंने कहा कि नहीं एक घर की चाबी नहीं, पूरे कानपुर शहर की चाबी। प्रमिला जी ये जो चाबी आपने दी है, इसके पीछे जो आपकी भावना है उसकी मैं आपकी और पूरे सदन के जितने सदस्य हैं उन सबकी भावना की कदर करता हूं, और उसको आपकी भेंट को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं सोचता हूं जब मैंने इस
भेंट को स्वीकार कर लिया तो अब ये भेंट मेरी हो गई, अब इस पर केवल मेरा अधिकार है, प्रमला जी आपका अधिकार नहीं है। लेकिन मैं पूरी विनम्रता के साथ मैं चाहूँगा कि ये जो सद्भावना आपने दिखाई है, ये सद्भावना मेरे प्रति बनी रहे, मेरे लिए आप सबका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। और इसलिए मैं ये चाबी, चूँकि इस पर मेरी मिल्कियत है, इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं प्रमला जी को इसको वापस कर। कानपुर मेरा अपना शहर है, कानपुर देहात में मेरा जन्म हुआ, कानपुर नगर में मेरी माध्यमिक और उच्च शिक्षा हुई। मुझे हमेशा महसूस होता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उसका यदि श्रेय किसी को जाता है तो वो कानपुर को जाता है। परों के एक साधारण परिवार में जन्मे और बड़ी कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले वो जैसे साधारण व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है वो कानपुर की धरती और आप सबके आशीर्वाद की देन है। मेरे मानस में कानपुर की अनेक छवियाँ अंकित हैं और जब यहाँ आ जाता हूँ तो सारी स्मृतियाँ जो है फिर तरोताजा हो जाती हैं। एक ऐसा कानपुर जो गर्मियों के मौसम में मोती झील के फुब्बारों से छनकर आती ठंडी हवा देने वाला कानपुर, और ये मैं साहित्यिक भाषा में नहीं बोल रहा हूँ बल्कि व्यवहारिक भाषा में। मैं यहाँ आया करता था अपने स्टूडेंट्स लाइफ में, डीएवी कॉलेज में हॉस्टल में रहता था, लेकिन जब कभी निकलना होता था कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, या जब कभी मैं मैक्रावटगंज में रहता था तब भी मुझे याद है नज़दीक पड़ता है, और गर्मियों के मौसम में हम यहाँ आते। एक ऐसा कानपुर जहाँ विश्व प्रसिद्ध लाल इमली मिल स्थापित है, और इसके जो उस समय मुझे पता नहीं इस समय है कि नहीं, वो घंटे बजा करते थे, टाइमिंग सुबह कितने बजा, 10 कब बजा, 12 कब बजा, सायंकाल 8 कब बजा, ये सब उसके सूचनाएं मिलती रहती। लेकिन लाल इमली मिल के पीछे खड़े इमली के विशाल दरख्त थे, आज है मुझे पता नहीं लेकिन बहुत पुराने हो गए होंगे, उससे लाल रंग की इमलियाँ टपकती थी। और सचमुच में जो हमारी पीढ़ी से थोड़ा नीचे भी होंगे, आज का मुझे पता नहीं, आपने कभी देखा हो वहाँ पर जो पकी हुई इमली गिरती थी और उसको जो ये आसपास के लोग जो थे ना कचहरी और इधर से जब लोग निकलते थे तो वो उस स्थान से जरूर होते हुए जाते थे, और उनका ये था कि नहीं इमली उठा करके चले। एक ऐसा कानपुर जहाँ के सरसैया और परमठ घाट पर भोर के समय गंगा स्नान करने वालों की भीड़ हुआ करती, सर्दी हो गर्मी हो, और वो जितने रास्ते थे आप किसी न किसी को, हर कोई अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए और चला जा रहा उधर से गंगा स्नान करके फिर वापस आ रहा। और एक ऐसा कानपुर जहाँ सुबह शाम पत्थर कोयले, उस समय इसका प्रचलन था, लकड़ी का कोयला था, पत्थर के कोयले की अंगीठियों का उठता धुआं बताता था कि लोग जाग गए, ये इसके सूचक। कानपुर की एक और छवि मेरे ध्यान में आती है, उत्तर प्रदेश के मध्य में पावन गंगा के किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर कानपुर ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, इसने स्नान पर उमड़ते श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी है, तो स्वाधीनता की लड़ाई में सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के वीरान घर भी, इसने बड़े बड़े उद्योगों की गगनचुंबी चिमनियों से निकलता हुआ धुआं देखा है, तो बंद मिलों के कारण मिल मजदूरों के घरों के ठंडे चूल्हे, इस शहर से होकर वर्तमान में देश की आज सबसे तेज रेलगाड़ी वंदे भारत दौड़ती है, तो पुराने जमाने की निशानी के रूप में इक्के और तांगे थे। ऐसा महसूस होता है जैसे कानपुर अपने जीवन में नवीनता और प्राचीनता दोनों के साथ जी रहा है। देवी और सज्जनों,
आज से लगभग 60 वर्ष पहले कानपुर नगर निगम की स्थापना हुई और सबसे पहले जो मेयर बने थे वो थे स्वर्गीय श्री रामचंद्र गुप्ता। वही नगर निगम अब श्रीमती प्रमिला पांडे के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2017 में मुझे यहाँ अर्थात इस जगह नहीं बल्कि कानपुर नगर में एक ब्लॉक है शायद ईश्वरीगंज, ये भोले सिंह जी सांसद बैठे हैं, इनके क्षेत्र का था, उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी आए थे। वहाँ मुझे स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करने का मौका मिला। मुझे बताया गया है कि नगर निगम ने भी इसी ध्येय को लेकर शहर में गंदगी वाले स्थानों को चिन्हित करके व्यापक स्तर पर साफ सफाई का अभियान चलाया। इसके बावजूद, और ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कभी कभी दिल्ली के जो मुझे अखबार देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी कानपुर के भी कुछ अखबार मिलते हैं, तो पता लगता है कि कभी कभी प्रदूषित शहरों की सूची में कानपुर नगर भी आ गया। और ये हम सब लोगों के लिए चिंता हो, कि मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे भी चिंता की बात है, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, सबके लिए और आप सबके लिए और पूरे कानपुर नगरवासियों के। मुझे ज्ञात हुआ है कि कानपुर की टेनरियों और सीवेज के अपशिष्ट जल का शोधन करने और शहर के कूड़े कचरे के समुचित निस्तारण पर तेजी से काम किया जा रहा है। हम एक कदम और आगे बढ़कर स्मार्ट टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर एनर्जी जैसी प्रणाली का उपयोग करके कचरे से बिजली पैदा कर सकते और इमारतों के मलबे की रिसाइकलिंग करके उससे ईंट या टाइल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में किया जा रहा है और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य शहरों में। ऐसा करके न केवल नगर निगम को साफ सुथरा रखा जा सकता है बल्कि वेस्ट टू वेल्थ की संकल्पना को भी साकार किया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान में निगम के कुल 109 पार्षद और उनमें से 40 अर्थात लगभग 37% हमारी बेटियां हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ जो बेटियों की उपस्थिति है उनकी तालियां बजती हैं कि नहीं बजती हैं। और सभी वर्गों, ये संख्या अति उत्साहवर्धक है और आश्वस्त करने वाली है। यह भी एक सुखद संयोग है कि आज मंच पर मेरे साथ तीन तीन सन्नारियां विराजमान हैं, तीन तीन महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश के प्रयासों के लिए एक ये शुभ संकेत। प्रिय पार्षदगण, नगर निगम के आप सभी पार्षदों ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ली है। सबके हित और कल्याण के लिए कार्य करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सभी पार्षद अपने वार्ड के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका तो प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने वोट दिया है, आप उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं अपने वार्ड के लोगों का जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। क्योंकि जब इस सदन में आते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र का, इस वार्ड नंबर 4 के जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है मैं उनका प्रतिनिधि, यहाँ नहीं कहते। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, मैं वार्ड संख्या 4 का प्रतिनिधि हूँ, अर्थात उस वार्ड में जितने भी लोग रहने वाले हैं उन सबका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आप सभी अपने अपने वार्ड के सभी मतदाताओं की आशाओं और आकांक्षाओं के संरक्षक हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने दायित्व को पूरा करने के प्रयास कर भी रहे हैं। जिन उपलब्धियों हेतु अभिनंदन करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है उनमें और बढ़ोतरी करते रहने के लिए मुझे आप सबका स्नेह प्राप्त होगा। इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ।
कानपुर मेरा आना लगभग एक वर्ष के बाद था। उत्तर प्रदेश में भी मैं 11 महीने के पश्चात था। उसके कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन एक कारण उसमें यह भी है कि कभी किसी को ये ना लगे कि जो शहर मेरा है, जो प्रदेश मेरा है, मेरी यात्राएं वहाँ पर बहुत होती हैं। लेकिन जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, स्वाभाविक है, प्रोटोकॉल है बहुत सारे, मैं प्रशासन को राष्ट्रपति भवन की ओर से एक हिदायत देता हूँ कि प्रायः कृपा करिए आप हमारे मूवमेंट पर आम पब्लिक को असुविधा कम से कम। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की अपनी मजबूरी होती है, वो करते हैं। यदि हम कहते हैं पहले ट्रैफिक आप 15 मिनट पहले बंद करिए, अब जानते हैं वो आधे घंटे पहले बंद करते, वो रिस्क नहीं लेते, प्रशासन कभी भी रिस्क नहीं लेगा। और इस प्रकार से असुविधा होती है। मैं एक राष्ट्रपति बाद में हूँ, इंसान पहले। मुझमें अपने नागरिकों की असुविधा अच्छी नहीं लगती, उनकी असुविधा के प्रति मैं संवेदनशील हूँ। और इसीलिए प्रायः जिस शहर में भी जाते हैं, ये केवल अपने शहर की बात नहीं है, बाहर भी कहीं पर भी जाते हैं तो यही होता है, कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तो मैंने फिर भी देखा था कुछ कम होता है। लेकिन मैं खेत में कट करता हूँ, जो असुविधा होती है मेरे कारण। लेकिन आप सब लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी असुविधा तो आपको भी स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसलिए लेकिन फिर भी मैं उस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अभिनंदन किया, बहुत अच्छा लगा। मेरे योग कोई भी सेवा हो तो मुझे ज़रूर याद करिएगा, राष्ट्रपति के नाते नहीं बल्कि कानपुर के नागरिक होने के नाते। मुझे यह विश्वास भी है कि आप सभी लोग मिलजुल कर कानपुर के सर्वांगीण विकास और आम जनता की बेहतरी के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री।